नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद की थी भागने की कोशिश। जी हां, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद 6 दिन तक पुलिस को चकाने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। बता दें कि विकास दुबे को कानपुर ले जा रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी आज सुबह हादसे का शिकार हो गई थी। कानपुर के करीब ही यह हादसा हुआ था। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पुलिस की बंदूक छीनकर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने पूछा अपराधी को मार गिराया। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और यह बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर नियंत्रण की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही बम्बई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या गुरुवार को बढ़कर 88,795 हो गई है, जिसमें 1282 नए मामले शामिल है। साथ ही दोस्तों, बिहार में कोविड-19 से 9 और की मौत, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,000 के करीब। इसी के साथ ही नेपाल ने गुरुवार को दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद करते हुए आरोप लगाया है कि वो ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे देश की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही है। इस मुद्दे पर भारत की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही दोस्तों, पूर्व लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चाइना के बीच चल रहा तनाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। LAC पर चीन की सेना का पीछे हटना जारी है। सरकार के उच्च आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत और चीन की सेनाओं के बीच मतभेद का पहला चरण पूरा हो गया है और चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर जा पहुंची है। इसी के साथ ही दोस्तों, कुलभूषण जाधव यू पिटीशन दायर करने के लिए पाकिस्तान ने दिया भारत को ऑफर। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि हालांकि कमांडर जाधव की दया याचिका अभी भी लंबित है, भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट के आलोक में यू पिटीशन दायर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के दावों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान पिछले 4 सालों से ऐसे ही फेरअप कर रहा था और ये दावा भी पाकिस्तान का एक और झूठ है। साथ ही विदेश मंत्रालय का कहना है कि कुलभूषण जाधव को मजाकिया ट्रायल के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत और भी कई अन्य ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी भारतीय सेना के जवान। दोस्तों, ये निर्णय सेना के संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का हवाला देकर लिया गया है। साथ ही दोस्तों, अंत में आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।